हेलो गाइज, व्हाट्सअप। माई सेल्फ अमन कुमार फ्रॉम यूश्री। तो आज के इस लेक्चर का टॉपिक क्या होने वाला है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि साइंस का पहला चैप्टर है, उसका टॉपिक है। एंड ये लेक्चर फोर्थ पार्ट होने वाला है। एंड इसके पहले मैंने 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड कर दिए हैं इस चैनल पर। एंड आपको उसमें डिटेल्ड वीडियो मिलने वाली है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है फर्स्ट पार्ट में। फिर उसके बाद आपको जैसे कि कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये सब के लिए सेपरेट वीडियो है। तो आप उसको जाके एक बार विजिट कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत ही डिटेल में हर एक एग्जाम्पल आपको मिल रहे हैं, जहाँ से CBSE डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है। तो इस वीडियो में भी मैंने एक ही टॉपिक इसलिए लिया क्योंकि इसमें आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जाननी है, तो मैं उसको भी कवर करूँगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ, फिर उसका जनरल फार्मूला लिखूँगा। तो डिफिनेशन क्या होगा? तो डिफिनेशन है द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस एनदर एलिमेंट। कहाँ से डिस्प्लेस करता है? सॉल्यूशन में से, फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। अब देखिए, कोई दो एलिमेंट, दो हम लोग रिएक्टेंट लेते हैं जिसका सॉल्यूशन हम लोग ने बनाया है, और उसमें एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को बदल देता है। जैसे क्या है, एक बहुत ही ईजी सा एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे ए बी है, ए और बी दोस्त है, मान लीजिए ए और बी दोस्त है, प्लस सी। अब सी आ गया, ए और बी तो दोस्त थे, सी आ गया, तो सी उन दोनों दोस्त में झगड़ा लड़ा दिया, झगड़ा करवा दिया। तो जो सी है वो ए के साथ जुट जाएगा, और जो बी है वो अकेला हो जाएगा। सी जो है वो ए के साथ आ जाएगा, ए से दोस्ती कर लेगा, तो बी अपने आप अकेला हो जाएगा। तो ए सी हो जाएगा प्लस बी। अब इसमें एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग एक बेंच पे बैठे हैं, दो लोग एक बेंच पे बैठे हैं। अब तीसरा आएगा, तीसरा आके, तीसरा बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है, यानी कि इसको आके हटा देगा, एक लोग को हटा देगा और एक लोग के साथ बैठ जाएगा। सिंपल, जैसे देखिए, सी आया ताकतवर है, ये आके बी को हटा दिया, एक के साथ सी बैठ गया, और सी बी अपना आराम से चला गया दूसरे ब्रेंच पे बैठने। तो ये होता है। अब इसमें भी एक मतलब, ये तो थी एग्जाम्पल, अब रियल में क्या होता है? रियल में ये होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा ये होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। पूरे पॉइंट में कंक्लूजन यही निकलता है कि जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। अगर नहीं है, ये अगर लेस रिएक्टिव है तो ये ऐसे ही रिएक्शन दिखाएगा। ठीक, अब कुछ एक बार डिफिनेशन पे भी चल देते हैं। देखिए क्या लिखा है डिफिनेशन में, द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, कहाँ से? उसके सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन में अगर दो एलिमेंट है तो एक एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। अब इसमें आपके NCERT की बुक में ना 3 एग्जांपल्स दिए गए हैं। एक आपका एक्टिविटी में है, जैसे कि नेल को आप कॉपर सल्फेट में डुबोएंगे, यानी कि आयरन को कॉपर सल्फेट में डुबोएंगे तो क्या रिएक्शन होगा? ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं वाला, तो मैं जितना भी एग्जांपल है सब कवर करवा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इसमें आपको बोला जाता है कि, मतलब फिगर आप एक बार NCERT में देख लीजिएगा, कि जो आपका आयरन का नेल है, जो आपका आयरन का नेल है वो आपके कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया गया है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया गया। अब आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो इसको कॉपर को भगा देगा और अपना कॉपर सल्फ आयरन सल्फेट बना लेगा,
एक्वस हो जाएगा ये। अब जो कॉपर था वो निकल जाएगा सॉलिड के फॉर्म में। ये तो रिएक्शन हो गया। आई होप कि आपको ऊपर वाली मतलब जनरल इक्वेशन से ही आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा होगा कॉपर सल्फेट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से, 1 मार्क में या 2 मार्क में। आयरन सल्फेट हो गया। अब देखिए इसमें ऑब्जर्वेशन करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए क्या कॉन्क्लूजन निकलता है, अब इसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे। जब आपका रिएक्शन होगा तो जो जो आपका रिएक्शन होगा उसमें आपको दो रिएक्टेंट इंक्लूड हैं, एक आयरन है और एक कॉपर है, कॉपर सल्फेट है। अब देखिए इन दोनों का कलर अलग अलग होता है, आयरन का कलर जो भी हो और कॉपर का कलर, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू कलर का होता है। ठीक, तो जो नेल है आयरन का नेल है, द नेल बिकम ब्राउनिश, वो ब्राउनिश कलर का हो जाता है जब आप कॉपर सल्फेट में डुबोएंगे, जैसे एक मूर्छा लग जाता है, ब्राउनिश कलर का हो जाता है। एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर है वो फेड हो जाता है, मतलब हल्का कलर हो जाता है, मतलब एकदम डल हो जाता है, वो फेडेड हो जाता है। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है, ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए एक मतलब कि क्या होता है, दो कलर ये हैं ये, बस इसी में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के इस वाले एग्जाम्पल में आपको याद रखना है। और दो एग्जाम्पल हैं मैं अभी बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जिंक जो कि सॉलिड में है और कॉपर सल्फेट जो कि एक्वस में है। तो जब ये रिएक्ट करता है तो ZnSO4 होता है, मतलब कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक, तो ये आके SO4 के साथ जुड़ जाता है और कॉपर को भगा देता है, ये एक्वस में हो जाता है। स्टेट आपको बहुत ज़रूरी है लिखना ताकि आप खुद भी समझ सकें एंड जो एग्जामिनर रहेगा उसको भी आप समझा सकें। ये सब आप लिख लीजिएगा, कॉपर सल्फेट है ये, जिंक सल्फेट हो गया। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव, अगर आपसे ये रीजन पूछा जाए क्वेश्चन ये आ सकता है कि वाई जिंक मतलब वाई इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिंक प्लस कॉपर सल्फेट इज रिएक्टेंट, मतलब प्रोडक्ट ये। अब आप उसका रीजन क्या देंगे, क्योंकि बिकॉज कॉपर डिस्प्लेस, मतलब बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, हेंस द जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड फॉर्म जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। आप बस इतना लिख देंगे आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। एंड जो तीसरा है आपके एनसीईआरटी में, PbS प्लस CuCl2 एक्वस फॉर्म में है, और इसको हम लोग जब रिएक्ट करवाते हैं तो PbCl2 बनता है प्लस Cu। अब देखिए यहाँ पे आप सल्फेट मत लिख दीजिएगा, यहाँ क्लोराइड है, यहाँ कॉपर क्लोराइड है, कॉपर क्लोराइड है, ये लीड क्लोराइड है, लीड क्लोराइड। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, एंड बहुत ही मतलब लेंदी टॉपिक नहीं था, छोटा सा ही टॉपिक था, तो इसीलिए मैं बहुत ही इसको डिटेल में पढ़ाया हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, एंड और भी टॉपिक्स हैं जो कि लास्ट में आप कवर हो ही जाएंगे, अबाउट 2-3 लेक्चर्स और होंगे, आपके पूरे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो और भी क्लासेस के भी लेक्चर्स अपलोडेड हैं, और भी सब्जेक्ट के, जैसे फिजिक्स के आप पहले चैप्टर यानी कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पे आप वीडियोस देख सकते हैं, वो अपलोडेड है। एंड मैं बायो का भी जल्दी स्टार्ट करूँगा, फिलहाल तो अभी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स को चलने दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।